तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम और जो फेसबुक होता है उसको ओपन करने का एक हिडन ट्रिक बताने वाला हूँ। आप उस ऐप को बिना ओपन किए ही आप उस दोनों ऐप को ओपन कर सकते हैं। समझ में नहीं आया तो चलिए देख लेते हैं कैसे उसको ओपन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि नहीं तो आपको इंस्टाग्राम को ओपन करना है और नहीं अपने फेसबुक ऐप को ओपन करना है। आप उन दोनों ऐप को बिना ओपन किए ही अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे चलिए बताते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको अपना व्हाट्सअप ओपन कर देना होगा। तो ऐसे हम अपना व्हाट्सअप को ओपन कर देते हैं। व्हाट्सअप मेरा यहाँ पे ओपन हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा जो व्हाट्सअप यहाँ पे ओपन हो गया है। कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पे देखिए ऊपर में आपको तीन डॉट दिख रहे होंगे सिंपली उसमें। तो सिंपली आपको सबसे पहले इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगे, न्यू ग्रुप्स, बोर्ड कार्ड्स, लिंक डिवाइस, स्टार मैसेज, पेमेंट सेटिंग्स और स्विच अकाउंट। तो आपको यहाँ पे सेटिंग्स यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे नीचे में देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन। तो आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया इंटरफेस खुल के आ जाएगा। तो इसमें आपको यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे देखिए बहुत से ऑप्शन दिख जाएंगे। ऊपर में आपको यहाँ पे प्रोफाइल दिख जाएगा, यहाँ पे देखिए आपका नेम दिख जाएगा, आपको यहाँ पे नंबर दिख जाएगा, सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट है, प्राइवेसी है, अवतार है, फेवरेट्स है, चैट्स हैं, मतलब कि आपको जितने सेटिंग्स होते हैं सारे के सारे आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो उसके बाद आप नीचे करेंगे तो नीचे करते ही आपको यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख जाएगा, ऑल्सो फ्रॉम मेटा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस पर लिखा हुआ है कि ओपन इंस्टाग्राम, ओपन फेसबुक और ओपन थ्रेड्स, मतलब कि आप डायरेक्टली यहाँ से अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर सकते हैं, अपने फेसबुक को ओपन कर सकते हैं और जो थ्रेड्स होता है जो कि यहाँ पे कुछ टाइम पहले ही आया है उसको ओपन कर सकते हैं आप यहाँ से डायरेक्टली। क्या करना होगा उसके लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसे ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है। अगर आपको इंस्टाग्राम ओपन करना है तो इससे इंस्टाग्राम पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही डायरेक्टली आप अपने जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर चले जाएंगे और जो इंस्टाग्राम है यहाँ पे ओपन भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ओपन कर सकते हैं अपने इंस्टाग्राम को बिना इंस्टाग्राम में जा ही। अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट को ओपन करना होगा तो सिंपली यहाँ से बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद आप फिर से अपने व्हाट्सअप में आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए सेकंड स्थान पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा ओपन फेसबुक। सिंपली आपको इसको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपका जो है कि फेसबुक अकाउंट यहाँ पे ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, नहीं आपको इंस्टाग्राम में जाना है और नहीं आपको फेसबुक में जाना है। आप अपने व्हाट्सअप से ही सारा कुछ कर सकते हैं। इस तरीके से आपका जो फेसबुक है वो भी यहाँ से ओपन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका है और बहुत ही कम टाइम में आप अपने इंस्टाग्राम को, अपने फेसबुक को, अपने थ्रेड्स को, सबको ओपन कर सकते हैं अपने व्हाट्सअप के जरिए ही। अपने सिर्फ व्हाट्सअप को ओपन करके आप वहां से सारा कुछ कर सकते हैं। बैक जाएंगे, अगर यहां से बैक जाएंगे तो डायरेक्टली आप यहां से अपने व्हाट्सअप में भी चल जाएंगे। कैसे आप व्हाट्सअप से ही अपने सारा कुछ ओपन कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम को ओपन कर सकते हैं, अपने फेसबुक को ओपन कर सकते हैं, सारा कुछ आप यहीं से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।